हेलो एवरीवन। आज अपन खड़े हैं एक और नई गाड़ी के सामने। ये है होंडा की अमेज, और ये होंडा अमेज का जैसे टॉप मॉडल है VX मॉडल। आज अपन इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे अपन शुरू करते हैं, कुछ इस तरीके से इसकी की मिलती है अपने को यहाँ, जिसमें एक साइड होंडा का लोगो मिल जाता है एंड वहीं दूसरी साइड इसमें लॉक अनलॉक और होल्ड का बटन मिल जाता है। वहीं अब अपन जैसे चले इस कार की तरफ, तो कार में अपने को कुछ इस तरीके से कार फ्रंट लुक मिल जाती है, और ये कुछ इस तरीके से अपने को साइड की लुक मिल जाती है। वहीं अपन जैसे इसके पीछे की लुक देख ले एक बार, तो पीछे से अपने को कुछ इस तरीके से मिलती है। इस कार में अपने को 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, वाइट, ब्राउन, ग्रे, रेड और सिल्वर कलर। और वहीं अपन इस कार की प्राइस देखें, तो कुछ प्राइस अपने को एक शोरूम प्राइस अपने को मिल जाती है, वो अपने को मिलती है 7,05,000 से अपने को मिलती है 9,66,000 तक। और वहीं अपन देखे कुछ इस तरीके से अपने को फ्रंट मिलती है, और यहाँ अपने को फ्रंट में जैसे एक बड़ा सा होंडा का लोगो मिल जाता है, और वही होंडा का सिग्नेचर ग्रिल मिल जाती है, जिसमें अपने को क्रोम मिल जाता है। उसके नीचे अपने को ये लाइसेंस प्लेट मिल जाती है, और ये अपनी नीचे वाली लोअर ग्रिल रहेगी। वहीं अपन इस साइड देखें, तो इस साइड अपने को कुछ इस तरीके से हेडलैम्प मिल जाते हैं। यहाँ अपने को प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है। यहाँ अपना टर्न इंडिकेटर हो जाता है, ये कुछ DRL हो जाती है। यहाँ अपने को एक टोइंग हुक मिल जाता है, और उसके नीचे अपने को प्रोजेक्टर फोग लैम्प मिल जाते हैं, और यहाँ कुछ क्रोम एलिमेंट मिल जाते हैं। अब जैसे फ्रंट में अपन देखें, तो फ्रंट में अपने को जो इस कार की विड्थ मिलती है, वो अपने को 1.7 मीटर मिलती है, और यहाँ फ्रंट में अपने को बोनेट कुछ इस तरीके से रहेगा, और यहाँ अपने को दो वाइपर मिल जाते हैं वॉशर के साथ। अब जैसे अपन इस साइड देखें, तो ये इसकी साइड है, और साइड से जैसे इस कार की लेंथ रहती है, तो वो अपने को 4 मीटर के समथिंग अपने को लेंथ मिल जाती है। और वहीं अपन यहाँ व्हील बेस की बात करें, तो व्हील बेस अपने को कुछ 2.6 मीटर के समथिंग मिल जाते हैं। वहीं अपन यहाँ देखें, तो ये कुछ इसके अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो अपने को डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं। ये अलॉय व्हील अपने को R16 की रिम के साथ मिलते हैं, सॉरी R15 की रिम के साथ मिलते हैं। कुछ इस तरीके से इसकी रिम रहेगी। फ्रंट में अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। जो इस कार का टर्निंग रेडियस होगा, वो टर्निंग रेडियस अपना 4.7 मीटर रहेगा। और इस कार की जैसे हाइट अपन देख ले, तो हाइट अपने को मिलती है 1.5 मीटर के समथिंग। अब अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ अपने को कुछ इस तरीके से ORVM मिल जाते हैं, अपने को बॉडी कलर ORVM मिलते हैं। वहीं इसमें टर्निंग टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ये वाला, ये कुछ इस तरीके से साइड लुक है। वहीं अपने को साइड में क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं। ये अपना रियर व्हील, जिसमें ड्रम ब्रेक मिलते हैं। ये कुछ इस तरीके से इसकी बेक रहेगी। बेक में जैसे अपन देखें, तो यहाँ सबसे पहले अपन ऊपर देखें, ऊपर अपने को एक शार्क पिन एंटीना मिल जाता है। वहीं अपने को यहाँ डिफोकर वगैरह मिल जाता है, और ये अपना हेडस्टॉप लैंप हो जाता है। उसके नीचे अपन देखें, तो यहाँ अपने को होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ अपने को एक बड़ा होंडा का लोगो मिल जाता है। वहीं इस साइड देखें, तो अपने को IVTEC की बैजिंग मिल जाती है। ये अपनी लाइट्स हो जाती है, यहाँ अपने को रिवर्स लाइट और टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ कुछ LED एलिमेंट्स मिल जाते हैं। पीछे की साइड अपने को 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। उसके नीचे अपना ये एग्जॉस्ट रहेगा, और यहाँ कुछ क्रोम इंसर्ट मिल जाते हैं। यहाँ अपने को एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और अपना रिवर्स कैमरा इस जगह प्लेसमेंट प्लेस रहेगा। ये अपना रिवर्स कैमरा है और लाइसेंस प्लेट है। तो ये थी अपनी बेक। और अब अपन इस साइड जैसे फ्यूल टैंक देख ले, फ्यूल टैंक अपने को 35 लीटर के आसपास मिल जाता है। वहीं अपन अब जैसे इसका बूट ओपन करके देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से इसका बूट है। बूट अपने को 420 लीटर का मिल जाता है। यहाँ अपने को प्रॉपर कवरिंग मिल जाती है। उसके नीचे अपने को ये कुछ स्पेस मिल जाता है, ये अपने टूल किट वगैरह मिल जाता है।
और यहाँ स्पेयर व्हील मिल जाता है। स्पेयर व्हील अपने को R15 की रिम के साथ आता है और स्टील व्हील मिलता है। अब बूट क्लोज करके चलते हैं अपन पीछे वाली सीट पर। जी अपना पीछे वाला डोर है, पीछे वाले डोर पे अपने को विंडो कुछ इस तरीके से मिल जाती है और वहीं उसके नीचे अपने को कुछ ब्लैक एलिमेंट मिल जाते हैं। उसके नीचे अपने को ब्राउन कलर का इंटीरियर मिलता है बेज कलर में। यहाँ कुछ बेज कलर की डिज़ाइन मिल जाती है। वहीं यहाँ अपने को सॉफ्ट टच मिल जाता है, यहाँ क्रोम में मिल जाता है ये। उसके नीचे अपन देखें तो यहाँ अपने को ब्लैक कलर की डिज़ाइन मिलती है, यहाँ कुछ स्पेस मिल जाता है, ये अपना विंडो का कंट्रोल हो जाता है। उसके नीचे 1 लीटर बोतल होल्डर और कुछ स्पेस मिल जाता है। यहाँ अपनी स्पीकर की प्लेसमेंट हो जाती है। इस साइड अपने को स्किड प्लेट मिल जाती है। अब जैसे इसके अंदर देखें तो अंदर से अपने को कुछ इस तरीके से इंटीरियर मिलता है जो अपने को बेज कलर में मिलता है। यहाँ अपने को दो हेडरेस्ट मिल जाता है, एडजस्टेबल नहीं मिलता है। उसके नीचे अपने को एक आर्मरेस्ट मिल जाता है। यहाँ अपने को कुछ स्पेस मिल जाती है और 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ये कुछ अपना इस साइड से एक हैंडल मिल जाता है। यहाँ अपने को एक लाइट की प्लेसमेंट मिल जाती है। और ये है फ्रंट डैशबोर्ड का लुक पीछे से। यहाँ अपने को कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, सिंपल ही मिलता है कप होल्डर के साथ। अब चलते हैं इसके फ्रंट सीट की तरफ। फ्रंट सीट में अपने को यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है दोनों साइड। ये अपना फ्रंट डोर है। फ्रंट डोर अपने को कुछ इस तरीके से मिलता है जिसमें यहाँ अपने को क्रोम इंसर्ट मिल जाती है, यहाँ क्रोम एलिमेंट मिल जाता है, यहाँ अपनी फैब्रिक इंसर्ट रह जाती है, ये अपना बेज कलर में, ये ब्लैक कलर रहता है अपना, हार्ड प्लास्टिक ही रहता है। यहाँ कुछ स्पेस मिल जाती है। इस साइड अपने को ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये अपना लॉक अनलॉक के फीचर। यहाँ ड्राइवर साइड ऑटो अप और ऑटो डाउन मिल जाता है और ये चारों पावर विंडो के कंट्रोल। यहाँ उसके नीचे अपन देखें तो यहाँ नीचे अपने को कुछ स्पेस मिल जाती है जिसमें ये कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ स्पेस मिल जाती है, स्पीकर मिल जाता है। और ये इस सीट जैसे फ्रंट सीट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ अपने को। तो यहाँ अपने को हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, स्लाइडिंग और रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। ये इसका कुछ डैशबोर्ड इस तरीके से। चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं। सो ये अपन आ गए होंडा अमेज के अंदर। यहाँ अपने को कुछ इस तरीके से इंटीरियर मिलता है, अपने को ब्लैक और बेज कलर में मिल जाता है फ्यूल टोन। यहाँ जैसे अपन देखे सिल्वर इंसर्ट भी मिल जाते हैं कुछ कुछ। अब जैसे अपन शुरू करते हैं इसके कुछ स्टेयरिंग से। यहाँ अपने को कुछ इस तरीके से होंडा की स्टेयरिंग मिल जाती है। यहाँ अपना एक होंडा का लोगो मिल जाता है हॉर्न के साथ और यहाँ अपनी एयरबैग की प्लेसमेंट मिल जाती है। वहीं अपन इस साइड देखें तो यहाँ कुछ सिल्वर इंसर्ट मिल जाते हैं अपने को जो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इस साइड अपन देखें तो यहाँ अपने को मीडिया के कंट्रोल मिल जाते हैं। इस साइड अपन देखें तो अपने को क्रूज़ कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ अपने को वाइपर के कंट्रोल और इस साइड लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं। ये अपना कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ अपने को कुछ सिग्नेचर वगैरह मिल जाते हैं, ये अपना RPM मीटर मिल जाता है और ये अपना ट्रिप मीटर मिल जाता है और यहाँ कुछ अपने को स्पीड मीटर मिल जाता है। यहाँ से अपन इसकी इल्यूमिनेशन वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे अपन देखें इसमें डिस्प्ले देखें अपने को छोटी सी एक डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता है, जिसमें एवरेज ट्रिप है, ट्रिप भी मिल जाता है। वहीं अपने को फ्यूल का इंडक्शन मिल जाता है, कुछ इंजन टेम्परेचर मिल जाता है और इसमें जैसे बाहर का टेम्परेचर भी बता रहा है, जैसे अभी 38 डिग्री बाहर का टेम्परेचर बता रहा है अपने को। वहीं अपने को कुछ टाइम वगैरह बता देता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है।
और देखे इसमें तो कुछ इस तरीके से अपने को ये इन्फॉर्मेशन बता देता है। अब चलते हैं अपन इस साइड, इस साइड अपने को ये ऐसे वेंट मिल जाते हैं, ऐसे वेंट में यहाँ अपने को कुछ सिल्वर इनसाइड मिल जाती है, उसके नीचे अपने को 7 इंच का अपने को इंफोटेनमेंट मिल जाता है। इंफोटेनमेंट काफ़ी अच्छा है, जैसे टच रेस्पॉन्स वगैरह अच्छा है। यहाँ अपने को एक हेजार्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ जैसे मेन्यू का ये ऑप्शन मिल जाता है, इसमें अपने को एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिलती है। यहाँ कुछ FM के ऑप्शन, ऑडियो वीडियो के ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ अपने को ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, उसके नीचे अपन देखें तो यहाँ अपने को कुछ चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ अपने को 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, ये कुछ 1.5 एम्पियर USB पोर्ट मिल जाता है और ये टाइप ए मिल जाता है। यहाँ अपन देखें तो यहाँ अपने को कुछ स्पेस मिल जाती है की वगैरह प्लेस के लिए। यहाँ अपने को 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, इधर देखें अपन ये अपन अपने को गियर ऑप्शन मिल जाता है। जिसमें अपने को यहाँ लेदर रैप मिल जाती है कुछ और यहाँ सिल्वर इंसर्ट मिल जाती है। अब जैसे अपन देखते हैं इसका रिवर्स गियर, तो ये अपना रिवर्स कैमरा कुछ इस तरीके से है। कैमरे की क्वालिटी आप देख सकते हैं किस तरीके से है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, जिसमें अपन कुछ व्यू वगैरह देख सकते हैं। जैसे ये क्लोजअप व्यू है, ये इसका और क्लोजअप वाला है, ये अपन पूरा व्यू देख सकते हैं पीछे से, ये सराउंडिंग व्यू बोलते हैं इसको। 3 ऑप्शन मिल जाते हैं अपने को। अब जैसे अपन यहाँ आगे देखें तो यहाँ अपने को एक हैंड ब्रेक मिल जाता है, यहाँ कुछ मोबाइल वगैरह रखने के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है, ये वही मैंने बताया था, एक कप होल्डर मिल जाता है। अब जैसे अपन इस साइड देखें तो ये अपनी फ्रंट सीट हो जाती है, फ्रंट सीट में मतलब अपने को कंफर्टेबल काफ़ी मिलती है। यहाँ अपने को साइड में कुशनिंग मिल जाती है, यहाँ अपने को सीट में फैब्रिक इंसर्ट ही मिलती है जो बेज कलर में रहेगी, ये अपना एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ मिल जाता है। इस साइड अपने को एक हैंडल मिल जाता है और यहाँ अपन देखें तो यहाँ अपने को कुछ मिरर मिल जाता है एक, ये अपनी लाइट हो जाती है, लाइट अपने को हेलोजन ही रहेगी। इस साइड देखें तो इस साइड अपने को टिकट होल्डर के साथ मिल जाता है। अब जैसे अपन ने ये तो इंटीरियर देख लिया, ये था होंडा VX का इंटीरियर, और इंटीरियर में जैसे अपने को ड्यूल टोन मिल जाता है, वहीं इस साइड अपन देखना भूल गए थे, तो यहाँ अपने को जैसे कुछ सिल्वर इंसर्ट मिल जाती है ब्लैक डिजाइन के साथ, और उसके नीचे अपने को ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज है। इसका स्टेयरिंग हो गया, इस साइड जैसे मैं बताना भूल गया था, यहाँ अपने को कुछ ऐसे की प्लेसमेंट मिल जाती है, ये अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन हो जाता है, इस साइड अपना लाइट बीम एडजस्टर हो जाता है, और यहाँ नीचे अपने को फ्यूल लीड और बोनेट खोलने का लीवर मिल जाता है। इस कार में टोटल 4 स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। ये था इसका इंटीरियर, अब अपन चलते हैं इसका IVTEC इंजन देखने। ये है इसका IVTEC इंजन, ये कुछ इस तरीके से अपने को इंजन की प्लेसमेंट मिलती है। ये वाला इंजन अपने को पेट्रोल इंजन मिल जाता है और ये वाला अपने को 18 किलोमीटर का एवरेज क्लेम करके देता है। ये थी अपनी होंडा अमेज का VX वेरिएंट, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।